हेलो गाइस एंड गर्ल्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई पिछले 2 दिनों में क्या हुआ है, दैट इज 4th and 5th of July। बाकी आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसका प्रॉबेबली आपका एक मैराथन सेशन होगा। मैराथन मतलब नॉट मोर देन 1.5-2 आवर्स। उसमें हम आगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड ऑन 4th and 5th of July, क्योंकि दीज टू डेट्स हैव बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी चीजें जो प्रॉबेबली एक हफ्ते में भी नहीं होती वो सिर्फ इन 2 दिनों में हो गई है, इसलिए इसका एक अलग से सेशन मैंने बनाया है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द लाइक वी ऑलवेज स्टार्ट विद नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। तो भाई नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो हमारे जो होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने लॉन्च किया है अक्षर रिवर क्रूज। कहाँ पर? अहमदाबाद में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया इसका नाम क्या है और ये कहाँ लॉन्च किया गया है। तो अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च्ड इन अहमदाबाद। अब ये क्रूज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए डाला गया है, तो भाई इंपॉर्टेंस आपकी यहाँ समझ में आएगी। द क्रूज इज द फर्स्ट पैसेंजर कैटमैन बिल्ट। कैटमैन बेसिकली एक टाइप का क्रूज होता है, आपने देखा होगा कभी अगर आप ऐसे सेलिंग वगैरह या कहीं गए होंगे, मूवीज में भी देखा होगा। बड़े बड़े जो थोड़े यॉट जैसे दिखते हैं, बड़े से सेल बोट, ऐसा ट्रायंगल उसमें सेल बोट का लगा हुआ होता है, वो बड़े साइज के जब होते हैं और बहुत ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी उसमें अवेलेबल होती है, उसको हम कैटमैन बिल्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्रूज इज द फर्स्ट पैसेंजर कैटमैन बिल्ट इन द कंट्री अंडर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया बेसिकली एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसके अंडर हम चाहते हैं कि भाई हमारी कंट्री में ही बने, हमको दूसरों पे डिपेंड ना करना पड़े। तो ये एक इनिशिएटिव के अंडर हर चीज, एवरी पॉसिबल चीज जो हम बाहर से डिपेंड करते थे इंपोर्ट के लिए, वो हर पॉसिबल चीज हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अंडर दिस इनिशिएटिव। तो आपको बोला जाए कि भाई विच इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, तो दैट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हमको क्या क्या 3 क्वेश्चंस मिल गए। सबसे पहले इस क्रूज का नाम क्या है जो लॉन्च किया गया, आपको पूछा जाएगा। द क्रूज विच इज द फर्स्ट पैसेंजर कैटमैन बिल्ट क्रूज जो कि मेक इन इंडिया के अंडर पहली बार लॉन्च किया गया है इंडिया में, उसका नाम क्या है। तो आप बताएंगे ये क्रूज का नाम है अक्षर रिवर क्रूज। इट इज अ रिवर क्रूज, प्लीज रिमेंबर, समंदर में नहीं चलेगा ये, नदी में चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जाएगा कि ये किस जगह लॉन्च किया गया है, तो आप बताएंगे भाई ये लॉन्च किया गया है अहमदाबाद में। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट नेशनल न्यूज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंक पर आई है। QS बहुत ही फेमस वर्ल्ड रैंकिंग होती है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो कि रैंकिंग कुछ पैरामीटर्स सेट करता है और जो जो यूनिवर्सिटी उन पैरामीटर्स के अंडर, जैसे कि प्लेसमेंट हो गया, अकेडमिक एक्टिविटीज हो गई, अकेडमिक रिसर्च हो गई, बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे आप एग्जाम देते हो, आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, 5ों सब्जेक्ट में जो टॉप करें उसका एवरेज निकाला जाता है और फिर टॉपर डिसाइड किया जाता है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी रैंकिंग या किसी भी टाइप के रैंकिंग में पैरामीटर्स होते हैं, उनको देखने के बाद फिर रैंकिंग निकाली जाती है। तो QS इज अ वेरी वेरी फेमस इंस्टीट्यूट जो कि ये यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स निकालता है और उनके अकॉर्डिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करें उसमें IIT बॉम्बे है, यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वहां पब्लिक यूनिवर्सिटी लिखा है या प्राइवेट। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के केस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, जिसमें 2963 इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट किया गया था, उनके स्कोर निकाले गए थे और फिर टॉपर बताया गया था। तो इससे हमारा सीधा सीधा एक ही क्वेश्चन बन के आ रहा है, विच इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के केस में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। अब यहाँ पे ही दिया गया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूट्स के केस में टॉपर कौन है, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे गवर्नमेंट ओन्ड है, पब्लिक इंस्टीट्यूट है। प्राइवेट के केस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और पब्लिक के केस में टॉप किसने किया है, IIT बॉम्बे। आई होप इट्स क्लियर। इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से ये 2 मेन क्वेश्चंस आपको बन के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टअप 20, G20 की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है, उसके अंडर बहुत सारे मीटिंग्स हो रहे हैं। तो पूरे साल बहुत सारे मीटिंग्स होंगे छोटे 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 चीज़ों के ऊपर, चाहे डिजिटल इंडिया हो जाए, चाहे स्टार्टअप हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, हर चीज़ के ऊपर डिस्कशंस और नेगोसिएशंस होगा। लास्ट में जाके नवंबर दिसंबर के अराउंड एक फाइनल समिट होगी G20 की, जिसमें
पूरे दुनिया के जो G20 के वर्ल्ड लीडर्स हैं या गवर्नमेंट के हेड्स हैं वो आके मिलेंगे। अभी इन छोटे छोटे मीटिंग्स में रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं, अभी किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके नहीं मिल रहे, वो आएंगे सीधा समिट में जब फाइनल कंक्लूड करना होगा। मतलब आप सोच लो, साल भर जो डिस्कशन चल रहा है उनका फाइनल कंक्लूजन निकल के कि भाई करना क्या है इस चीज या इस टॉपिक के बारे में, वो समिट में डिसाइड होगा जिसमें लीडर्स आएंगे। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी मीटिंग्स में से एक है स्टार्टअप 20। स्टार्टअप 20 नाम से ही हमको समझ में आ गया, आप 20 क्यों लिखा है, G20, 20 कंट्रीज। ठीक है, तो स्टार्टअप 20 इज अंडर द हेड ऑफ G20। स्टार्टअप्स मतलब हमको पता ही है, नया बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं खास तौर पे आईटी सेक्टर्स में, उनको स्टार्टअप्स का नाम दिया गया है। ये किस जगह हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। ज्यादातर टाइम G20 रिलेटेड मीटिंग्स में क्वेश्चंस जो देखे गए हैं वो इसी टाइप के हैं कि स्टार्टअप 20 मीट जो हुई है वो किस जगह पे हुई है। या तो आपको चार ऑप्शंस में सिटीज के नाम दे देंगे, गुरुग्राम हो गया विच यूज टू बी गुड़गांव, गुरुग्राम हो गया, भोपाल हो गया, गोवा हो गया, या चौथा समथिंग एल्स दिल्ली में भी, चार में से आपको सिलेक्ट करना होगा। या चार में स्टेट्स के नाम दे देंगे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, आपको हरियाणा सिलेक्ट करना होगा। इन दो तरीकों से सेम इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो इस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से बन सकता है, इट इज बीइंग होस्टेड बाय स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप विच ऑपरेट्स अंडर द इंडिया, मैंने बोला ना G20 की प्रेसिडेंसी के अंडर ही ऑपरेट हो रहा है। ये क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं क्रिएट अ कंड्यूसिव बिजनेस, कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल, जो बिजनेसेस स्टार्टअप को फेवर करे, उनके हित में हो, उनके बेनिफिट के लिए हो, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं अक्रॉस। कहाँ कहाँ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, सारे के सारे G20 नेशंस में, जितने भी 20 मतलब 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इज अ पार्ट ऑफ G20, पूरे 20 की बेस नेशंस में ये क्रिएट करना चाहते हैं ऐसा एनवायरनमेंट जो स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिशियल हो। एंड असिस्ट सच टैलेंट्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड टू कमर्शलाइज स्केल अप एंड इनोवेट या इनोवेशन फर्दर। ओके, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है, दैट इज कहां पर ये स्टार्टअप 20 होल्ड किया जा रहा है, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट आ जाओ भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एक मोबाइल ऐप योजना के अंडर लॉन्च किया गया है, दैट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY योजना इसको बोला जाता है, ये काफी टाइम से चली आ रही है। इसके अंडर लॉन्च किया गया है ई सारस ऐप। तो आपको पूछा जा सकता है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना या तो फुल फॉर्म या उसका शॉर्ट फॉर्म DAY योजना के अंडर कौन सा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो आप बताओगे ई सारस या ई सारस ऐप किस योजना के अंडर लॉन्च किया गया है, उसमें आप इस योजना का नाम बताओगे। सेम एक स्टेटमेंट से आप समझे किस तरीके से, जैसे 2 × 4 = 8, 4 × 2 = 8, ऐसी तरीकों से जीके में क्वेश्चंस बनते हैं सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से। 2 या 3 क्वेश्चंस हम सोचते हैं कि अच्छा इससे सीधा सीधा ई सारस याद हो गया, वहां पे आपसे पूछ लिया कि ई सारस तो हमको पता है, लेकिन आप ये बताओ किस योजना के अंडर, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये ई सारस ऐप क्या करेगा, बेसिकली ये करेगा, इट इज एन ई कॉमर्स मोबाइल ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन, जैसे हमारा होता है ना इंस्टाग्राम ट्विटर मोबाइल ऐप होता है, इसी तरीके का ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दैट प्रोवाइड्स ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स मेड बाय SHG दीदीज। SHG माने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, खुद से उनको सेल्फ एम्प्लॉय उन्होंने कर रखा है। जैसे आप छोटी छोटी जगहों पर चले जाओ, बहुत सारी जगह होता है हैंडलूम, छोटे छोटे क्राफ्ट्स की चीजें आपको मिल जाएगी। महाराष्ट्र में आप छोटे छोटे रूरल एरियाज में चले जाओ, वहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट मिलता है, होता है ना कहीं घूमने जाते हैं वहाँ का हैंडीक्राफ्ट खरीद के लाते हैं हम। जैसे आप चेन्नई गए, मैं रिसेंटली पौंडेचेरी जैसे गई थी, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट उनका कुछ फेमस था, लकड़ी की चीजें वो बनाते थे, वो मैं वहां से खरीद के लाई थी, वहाँ उनके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने वो चीजें बनाई थी और वो बेच रहे थे। अब इस चीज को अगर डिजिटलाइज करके मोबाइल ऐप पे डाल दिया जाए तो और भी ज्यादा वाइड स्प्रेड और एक्सेसिबल हो जाएगा सबके लिए, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं छोटे छोटे रूरल वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। इसी चीज के लिए ये ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है। कहाँ लॉन्च किया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन, ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। ग्रेटर चेन्नई पुलिस हैज एस्टैब्लिश्ड अ ड्रोन पुलिस यूनिट टू असिस्ट कॉप्स इन एरियल सर्विलेंस। बहुत बार आपने देखा है सावधान इंडिया देखा होगा, CID, ये सब शोज देखे होंगे, उसमें छोटी छोटी गलियों में चोर के पीछे भाग रहे होते हैं, या एक्सक्यूज मी,
उसको ट्रैक कर रहे होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है। अब इमेजिन करो अगर पुलिस के पास ड्रोन होता, जो पुलिस को नहीं दौड़ना पड़ रहा है, मतलब पुलिस भी उसका पीछा कर रही है, लेकिन साथ साथ में ड्रोन कितने जल्दी उसको फॉलो कर सकता है। अगर एयर सर्वेलेंस होता तो कितना ज्यादा और आसान होता चोरों को पकड़ना या चीजों को देखना, चीजों को कैप्चर करना। मान लो कोई कार है, उसमें किसी लेडीज को या किसी बच्चे को किडनैप करके कार दौड़ाई जा रही है, उसको कार के थ्रू फॉलो करना, ट्रैफिक ये वो, बहुत रिस्की होता है और मुश्किल भी होता है। बजाय उसके आप ऊपर से ड्रोन उड़ा रहे हो उसके पीछे, इजियर सर्वेलेंस है ना। इसी चीज के वजह से ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने लॉन्च किया है ड्रोन पुलिस यूनिट। तो सीधा सीधा जो एक क्वेश्चन बन के आता है सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से, वो है किस सिटी, या सिटी का स्टेट पूछ लिया तो चेन्नई कहाँ आता है, तमिलनाडु। तो सिटी का स्टेट पूछ लिया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो उस ऑप्शंस में सिटी दिया ही नहीं, तो आप बोलो मैम आपने तो चेन्नई बताया था, वहां तो दिया ही नहीं था। तो भाई स्टेट दिया होगा, स्टेट के अंदर ही चेन्नई आता है ना, तो स्टेट आप मार्क करोगे। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बन के आ सकता है, दीज आर ऑल इक्विप्ड विद बिल्ड इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज एंड कैन बी ऑपरेटेड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 से 10 किलोमीटर। ऐसा नहीं ड्रोन उड़ाते उड़ाते पीछे भागना पड़ेगा, आराम से 5 से 10 किलोमीटर दूर खड़े होकर आप उस ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हो आराम से। मान लो आपको किसी चोर को चौकन्ना नहीं करना है, किसी अपराधी को नहीं बताना है कि भाई हम ढूंढ रहे हैं, तो आप उसके घर से 5 किलोमीटर दूर खड़े रहो और आराम से ड्रोन को भेजो, उसमें कैमरा वैमरा सब AI वगैरह फिट होगा और उसके थ्रू सर्विलेंस आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट IEP, ये आ गया भाई अब इंटरनेशनल न्यूज। IEP रिपोर्ट, जैसे IEP क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने निकाला है कि भाई कौन सी कंट्री कितनी पीसफुल है, कोई कंट्री कितनी पीसफुल है भी कि नहीं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सी ऐसी कंट्री है जो लीस्ट पीसफुल है, जहां पे शांति नाम की चीज ही नहीं है, पीस ही नहीं है लोगों को, एकदम प्रताड़ित लोग हैं, तंग लोग हैं उधर। तो ऐसी कंट्री हो गई अफगानिस्तान। क्यों हो गई अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान अभी नहीं है, अफगानिस्तान 5वें साल कॉन्जिक्यूटिव लगातार 5वें साल टॉप किया है अफगानिस्तान ने इस रिपोर्ट में। मतलब कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रहा है और सालों से चलता आ रहा है। हम अगर देखें तो भाई क्या गड़बड़ चल रहा है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ही आतंकवादी चला रहे हैं, मतलब बेसिकली एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने ओवरटेक किया था और वो सोचो उनकी गवर्नमेंट चला रहे हैं। कैन यू इमेजिन लिविंग इन अ कंट्री लाइक दैट, तो कहाँ से लोगों को पीस होगा। बहुत ज्यादा दकियानूसी सोच, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, औरतों के लिए तो और भी ज्यादा नरक। मतलब आपका इतना सा भी एंकल या कुछ रिस्क नहीं दिखनी चाहिए, और पहले तो दिखनी दूर की बात है, घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, बाहर निकल के स्कूल कॉलेजेस जाते थे उसी पे बैन लगा दिया। सोचो एजुकेशन पूरा बदल दिया, पूरा का पूरा जो पढ़ाया जाता था उसको सब चेंज कर दिया। बेसिकली आप समझ सकते हो अगर कोई एक टेररिस्ट ग्रुप एक कंट्री को चला रहा है तो कैसी कंट्री चल रही होगी, वो कंट्री अफगानिस्तान है। ऑब्वियसली अफगानिस्तान को ही टॉप पे आना चाहिए था। इंडिया की रैंक, और ऐसे कोई भी इंडेक्स आता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है टॉप कौन है और दूसरा इंडिया की रैंक क्या है। तो इंडिया की रैंक 126 नंबर पे, मतलब अच्छी बात है, अगर कंट्री जितना नीचे हो उतना अच्छा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री भाई आइसलैंड। आइसलैंड ज्यादातर टाइम आप देखोगे आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ये सारी कंट्रीज ना आपको मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस में टॉप में मिलेंगी। बहुत ज्यादा अलग तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे लोग भी खुश हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, वेदर भी ठीक ठाक है, एवरीथिंग, पर कैपिटा इनकम भी सही है। तो ये कंट्रीज आपको टॉप 10 में हर इंडेक्स या रिपोर्ट में मिली जाएंगी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में मैंने आपको बताया था कि अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तब तक हमको जानने की जरूरत नहीं है कि भाई ये किसको रिप्लेस करके आए, तब तक हमको सिर्फ जानना है कि किस जगह पे किसको अपॉइंट किया गया है या किस जगह से किन्होंने रिजाइन किया है। अनलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैं बार बार एग्जांपल दिया वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, या UN सेक्रेटेरिएट, वहां पर कोई नया आया है तो फिर जानना जरूरी है और याद रखना जरूरी है कि भाई किसको रिप्लेस करके ये आए हैं। ठीक है, यहां बात क्या हो रही है, यहां बात हो रही है फर्स्ट वुमन मिनिस्टर इन एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट। इट इज अ ह्यूज फीट, आज तक की पहली वुमन मिनिस्टर, पहली ऐसी औरत जो एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनी है, उनका नाम है अदिति तत्करे। ठीक है, इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग प्लीज फॉरगिव मी इफ इट्स रॉन्ग, आई एम नॉट फ्रॉम हियर,
I am assuming it is Aditi Thackeray, ठीक है? She has become the first woman minister in the new नई government अभी form हुई है ना, led by Mr. Eknath Shinde. और किस चीज के minister है ये भी पूछा जा सकता है. She is the minister of state for water resources and medical education. एक ही ministry आती है ये, minister of state for water resources and मेडिकल एजुकेशन. आप देखोगे तो पानी बचाने का काम घर में मम्मी लोग ही कर सकती हैं, हम लोगों को इतना कॉन्शियसनेस नहीं होता, ना पापा को होता है. प्लस बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान भी मम्मी रखती है, तो ऐसे याद रखो, वाटर रिसोर्सेज एंड मेडिकल एजुकेशन, ये मिनिस्ट्री उनके अंडर आती है. उनका नाम क्या है? अदिति तत्करे. और कौन सी गवर्नमेंट में है? एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट में. ओके, नेक्स्ट. गवर्नमेंट ने रीअपॉइंट किया है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसको ओवरसी करता है, उसको रेगुलेट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. उसके रीअपॉइंट किए गए हैं इंडियाज एम्बेसडर. हर कंट्री का कोई ना कोई उस जगह पे रिप्रेजेंटेटिव होता है. अब पूरी कंट्री तो वहां जाके बैठ नहीं सकती है ना, तो एक हम रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करके उधर भेजते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हर कंट्री का अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है. इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अभी रीअपॉइंट किए गए हैं, पहले भी वही थे, उन्हीं को वापस बना दिया गया है. हिज नेम इज मिस्टर ब्रजेंद्र नवनीत. ओके, नेक्स्ट. 9 महीने के लिए फिर से उनको बना दिया गया. उन्होंने पहले जून 2020 में बने थे, जो जून 2023 का टेन्योर, 3 साल का टेन्योर था उनका, कार्यकाल था जो कि खत्म होने आ रहा था, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया. अब अगले 9 महीने मतलब 2024 तक भी वही रहेंगे. नेक्स्ट आ जाओ भाई साइंस में. SpaceX, जिसको कौन ओन करता है भाई? SpaceX नाम सुनते ही दिमाग में बत्ती जलती है, इलॉन मस्क की, ठीक है? SpaceX ने लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस टेलीस्कोप, उसका नाम है यूक्लिड. यूक्लिड टेलीस्कोप होता है ना, इसे करके देखते हैं, दूरबीन जैसा जो स्पेस का पूरा दिखाता है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होता है, उसका नाम है यूक्लिड. पहली चीज किसने लॉन्च किया है? SpaceX, जिसको कौन ओन करता है? इलॉन मस्क. अब यूरोपियन सैटेलाइट का नाम, सॉरी टेलीस्कोप का नाम क्या है जो लॉन्च किया उन्होंने? उसका नाम है यूक्लिड. वो टेलीस्कोप किस चीज को एक्सप्लोर करेगा? अब बाकी के टेलीस्कोप भी, कोई सन को देख रहा है, कोई दूसरी चीजों को देख रहा है, हर टेलीस्कोप का कुछ ना कुछ काम होता है. ये टेलीस्कोप क्या करेगा, क्या नई चीज करेगा? जो स्पेस में डार्क यूनिवर्स है, डार्क यूनिवर्स जो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है, एक हद तक हमको दिखाई देता है. आप इमेजिन करो आपके रूम में लाइट जल रही है, ठीक है, थोड़ी सी, बाकी पूरा बहुत बड़ा एरिया है, वहां अंधेरा है. तो आपको अपनी रूम की जो लाइट जा रही है ना, या जो बत्ती, जहां तक लाइट क्या हो गई, यहाँ पे सन हो गया, वो जहां तक लाइट जा रही है वहां तक तो आपको दिखेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा एरिया आएगा, थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा, एक पॉइंट के बाद एकदम डार्कनेस. उस डार्कनेस को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे यूनिवर्स में, स्पेस में, इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, ठीक है. 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे इन्होंने लॉन्च किया है. कितने दूर जाएगी ये टेलीस्कोप? ये जाएगा 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे, वहां से बैठ के पूरा ऑब्जर्व करके पिक्चर्स यहां पर भेजेगा, ताकि जो साइंटिस्ट होंगे, वो डार्क मैटर बोला जाता है उसको, जहां कुछ दिखाई देता है. डार्क मैटर मतलब मैटर है, हमको पता है उधर कुछ है लेकिन पता नहीं है क्या है, डार्क मैटर, उसको ऑब्जर्व करके यहां पर भेजेगा. ओके, नेक्स्ट आ जाओ अवार्ड्स में. तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रादर क्यूट चीज हुई है यहाँ पे, एक एलिफेंट इमेज. एलिफेंट्स ना ऐसे रिवर क्रॉस कर रहे थे और ड्रोन से ऊपर से इमेज कैप्चर की है, उसको अवार्ड मिला है, ड्रोन फोटो अवार्ड्स. अब ड्रोन फोटो अवार्ड्स इज वन ऑफ द मेजर लीडिंग अवार्ड्स जो ड्रोन या एरियल फोटोज के केस में दी जाता है. अ फोटो ऑफ एन एलिमेंट एलिफेंट टेकन कहाँ पे लिया गया है? अनामलाई टाइगर रिजर्व, ये जो कि है, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, यह है तमिलनाडु में. उसको विनर बनाया गया है सीएनआर ड्रोन फोटो अवार्ड्स 2023 का. तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई ये टाइगर रिजर्व इंडिया में ही है, तो ये फोटो भी इंडिया में ही, इंडियन ने ही ली है. किन्होंने ली है? मथन राज एस, इन्होंने ये पिक्चर कैप्चर की है, और इनको $10,000 का कैश प्राइज दिया गया है. अब इस अवार्ड के बारे में, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन इन एरियल फोटोग्राफी एंड वीडियो. तो दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड है ये, अगर एरियल मतलब हवा से ऊपर से ड्रोन के थ्रू ली गई फोटोज के लिए, उसमें इस फोटो ने टॉप किया है. आपको जानना जरूरी है कि इस फोटो को किसने खींचा है, किस जगह खींचा गया है, और कौन सा अवार्ड मिला है. दीज थ्री क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन.
नेक्स्ट स्पोर्ट्स में तो भाई हमको सब पता है ऑलरेडी, बीसीसीआई ने अनाउंस किया ड्रीम इलेवन है जो टीम, हर जगह आईपीएल देखोगे इधर उधर सब जगह क्रिकेट के बीच में ड्रीम इलेवन का आपको मस्त ललचाने वाला एड आता है कि आप उस पे आओ, प्रोफाइल बनाओ, खेलो आप भी, मे बी यू विल विन कैश प्राइज, ऑल दैट। वही ड्रीम इलेवन अब टीम इंडिया की ऑफिशियल स्पॉन्सर बन चुकी है। स्पॉन्सरशिप कितने टाइम की होती है? इट इज अ 3 ईयर स्पॉन्सरशिप। फैंटेसी गेमिंग होता है ना, फैंटेसी मतलब क्या, असली के प्लेयर्स नहीं है उसमें, फैंटेसी गेमिंग, उसमें आप सॉर्ट ऑफ बेटिंग करते हो, मतलब आप स्पेक्यूलेट करते हो, नॉट एग्जैक्टली बेटिंग, बेटिंग तो इलीगल हो गया, स्पेक्यूलेट करते हो और उसके हिसाब से आप गेम खेलते हो, ठीक है। फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन हैज रिप्लेस्ड एडटेक, पहले बायजूस था टीम इंडिया का। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब ड्रीम इलेवन जो बना है उन्होंने किसको एज स्पॉन्सर्स रिप्लेस किया है? तो उन्होंने रिप्लेस किया है बायजूस। बायजूस जो एजुकेशन ऐप होता है ना, एडटेक, वेरी फेमस, आपको पर्पल कहीं भी दिखता होगा तो बायजूस ही याद आता होगा, उनको रिप्लेस करके अब ड्रीम इलेवन बन चुके हैं। नेक्स्ट मैक्स वर्स्टैपन, अब भैया कहीं भी देख लो, कोई भी जीपी माने ग्रैंड प्री, जो ये फॉर्मूला वन रेसिंग होती है ना, कार रेसिंग, उनका कहीं भी आपको नाम आए उसके आगे ग्रैंड प्री लिखा होगा, GRANDE ग्रैंड PRIX प्री, ठीक है। अब अलग अलग कंट्रीज में होती है, आई थिंक 2023 में कुछ 21 या 22 ग्रैंड प्री होने वाले हैं, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसेस को जीतते हैं उनको ग्रैंड चैंपियन या ओवरऑल चैंपियन डिक्लेयर किया जाता है। मुझे काफ़ी हाई चांस लग रहा है इस बार का कि मिस्टर मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर है, हर एक कार के या हर एक रेसर का कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है, तो रेड बुल की कार स्पॉन्सर्ड ये चलाते हैं, मतलब ये उनके ड्राइवर है, ठीक है। तो रेड बुल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे मैक्स वर्स्टैपन, आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसेस अभी तक जितनी हुई हैं, काफ़ी सारी बची हैं, मैक्सिमम इन्होंने ही जीती है, तो ऑस्ट्रेलियन भी इन्होंने ही जीती है। और ऑलरेडी इनको आई थिंक 2 बार वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप का, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ चैंपियनशिप, ये ऑलरेडी 2 बार जीत चुके हैं, अगर इस बार भी जीत जाते हैं तो ये 3rd टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। तो अगर आपको बाय चांस गेस करने का नाम आए ना कि भाई याद नहीं आ रहा, तो आई थिंक इजी गेस है बाय चांस, अगर एकदम ही याद नहीं आ रहा सही आंसर क्या है, मन करे तुक्का मारने का, थोड़ा सा मन करे, मैं ये नहीं बोल रही तुक्केबाजी अच्छी चीज, एजुकेटेड गेस, तो मैक्स वर्स्टैपन इज अ वेरी सेफ चॉइस, ओके। SAFF भाई, इसकी तो सबने स्टोरी तक डाल रखी थी, SAFF चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में इंडिया जीता है, इंडिया जीते हैं, किनको हरा के, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया जीत गई ये खुश नहीं हो जाना, ये जीतना है भैया, ये देखना है भैया हराया किसको है, तो हराया है हमने कुवैत को बाय 5-4, बहुत क्लोज जीत थी लेकिन वी स्टिल वन, ठीक है। किस कंट्री को हराया है, किस में हराया है, SAFF चैंपियनशिप किन्हों ने हराया है, इंडिया ने, इंडिया ट्राइम देयर 9th SAFF, मतलब 14 एडिशन जो हैं उनमें से 9वीं बार इंडिया ने फिर से टॉप किया है, किनको हरा के टॉप किया है, कुवैत को हरा के, गुड, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट डेज, और अभी 2 दिनों में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो है 4th of July। आपने कभी मूवीज में देखा होगा, सुना भी होगा, जैसे हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना बोलकर कि इट इज इंडिपेंडेंस डे, US में बोला जाता है 4th of July सेलिब्रेशन। तो भाई ये 4th of July होता क्या है, मुझे तो बहुत लंबे टाइम तक कन्फ्यूजन था बचपन में, ये क्या 4th of July को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, फिर बाद में जब मैंने पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा 4th of July को इनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बट एक्चुअली में उसको बोलते नहीं है वो मोस्ट ऐसे कि हमारा इंडिपेंडेंस डे, दे कॉल इट देयर 4th of July सेलिब्रेशन, ठीक है। जैसे हम 15 अगस्त को बोलते हैं ना कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, ये वो 4th of July सेलिब्रेशन बोलते हैं, बट रिगार्डलेस 4th of July को US का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। फाइनली इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था जब उनका वॉर हुआ था किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और उसके बाद US और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में 1812 में एक वॉर हुआ था, उसके बाद ऑफिशियली 4 जुलाई को उन्होंने बोला कि भाई हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। सोचो US का इस बार कौन सा वा इंडिपेंडेंस डे हुआ, 247th, 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंट्री है ये, इंडिया को अभी 100 साल भी नहीं हुए, वी आर सच अ न्यू इकोनॉमी। उसके बाद भी अगर आप रैंक्स और लिस्ट में जाके देखोगे और डेवलपिंग इकोनॉमीज ये सब जाके देखोगे ना, तो आप देखोगे US के बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हम, मतलब हम कितना आ गए सिर्फ 75 ईयर्स में,
जो ये अचीव नहीं कर पाए 247 ईयर्स में भी. इमेजिन कितनी पुरानी इनकी कंट्री है और हमारी कंपेरेटिवली आज़ादी के बाद से कितनी नई कंट्री है. स्टिल वी हैव कवर्ड सो मच ग्राउंड टू द पॉइंट कि शायद अगले 10 साल में उनसे टक्कर पे आ जाए और इनफैक्ट आगे भी निकल जाए. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे सेशन ऑफ 4th एंड 5th जुलाई के करेंट अफेयर्स. इन द नेक्स्ट सेशन वील प्रॉब्ली होल्ड अ मैराथन सेशन और उसमें आपके पिछले पूरा एक वीक का एक साथ कवर करेंगे. ऑल्सो देर आर अ फ्यू स्टैटिक के सेशंस कमिंग अप, जैसे आपके लिए लिस्ट ऑफ इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने रैंकिंग बोली ना, इंडिया की रैंकिंग किस में क्या है, कौन कौन सी रैंकिंग है, कौन रिलीज करता है, किस कंट्री ने टॉप किया, दिस काइंड ऑफ वीडियोज आर ऑल्सो कमिंग अप. सो स्टे ट्यून्ड फॉर देम. आई विल सी यू अगेन वेरी 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 सून. बाय बाय.